मित्र, आशा करती हूँ कि अन्य विषयों की तरह आपने हिंदी के पाठ्यक्रमों का वाचन शुरू कर दिया होगा। ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय की मुंशी प्रेमचंद लिखित बूढ़ी काकी कहानी का अध्ययन करेंगे। आज हम इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और कहानी की कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी के बारे में बात करें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक एक गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विवेचक थे। जीवन संघर्षों का सामना करते हुए वे स्कूल अध्यापक से लेकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए। आजादी के आंदोलनों का प्रेमचंद जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर पद से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद उन्होंने लेखन को ही अपना व्यवसाय बना लिया। प्रेमचंद जी ने कई सारे साहित्यिक पत्रों का संपादन किया। प्रेमचंद जी की कहानियां एवं उनके उपन्यास हिंदी साहित्य की धरोहर है। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। उनकी कहानियां मान सरोवर नामक ग्रंथ के 8 भागों में संकलित है। आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज की उस समस्या को उजागर किया है जहां वृद्ध जनों से उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। केवल इतना ही नहीं, बात बात पर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत किया जाता है। उनको भर पेट भोजन तक भी नहीं मिलता। सामाजिक वास्तविकता के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का यह घृणित रूप प्रदर्शित किया है। इस कहानी की कथा वस्तु के बारे में बात करें तो इस कहानी में लेखक ने जीवन की वृद्धावस्था और बाल्यावस्था को एक समान बताया है। यह कहानी बूढ़ी काकी नाम की एक स्त्री पात्र को केंद्र में रखकर लिखी गई है। बूढ़ी काकी एक ऐसा पात्र है जिसे जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं है। इस कहानी में बूढ़ी काकी मुख्य पात्र के रूप में सामने आती है और सारी कहानी उसी के आसपास घूमती रहती है। इसके बाद पंडित बुद्धिराम दूसरा मुख्य पात्र है जो बूढ़ी काकी का भतीजा है। पैसों का लालची है और बातें करने में काफी तेज है। कहानी में उसका चरित्र स्वार्थी और लोभी व्यक्ति का है जो बूढ़ी काकी की जायदाद तो अपने नाम लिखवा लेता है लेकिन बाद में उसे रोटी नहीं खिलाता, यहां तक कि अपमानित और बेइज्जत भी करता है। तीसरी मुख्य पात्र है रूपा, जो बूढ़ी काकी के भतीजे
पंडित बुद्धिराम की पत्नी है। स्वभाव में तीखापन है परंतु भगवान से डरती है। इनके अलावा इस कहानी में पंडित बुद्धिराम के दो बेटे भी हैं, जिनका व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति शरारत से भरा हुआ है। कहानी में एक लाडली नाम की पात्रा है, जिसके मन में बूढ़ी काकी के प्रति संपूर्ण सहानुभूति है। काकी को भी उससे लगाव है। इस कहानी में एक और कहानीकार ने बूढ़ी काकी की वृद्धावस्था की ओर संकेत किया है, तो दूसरी ओर स्वादिष्ट भोजन को उसकी कमजोरी बताया है। उसके आचरण में किसी प्रकार का छल या कृतज्ञता या बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़ी काकी उसे विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। उसके जवान बेटे भी छोटी उम्र में मर चुके हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कर सके। था तो केवल उसका दूर का भतीजा बुद्धिराम। पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वायदे कर उसकी सब संपत्ति अपने नाम करवा ली, लेकिन पैसे का लालची बुद्धिराम का व्यवहार बहुत जल्द ही बदलने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन ईश्वर से अवश्य उसे डर लगता था। इसलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय डरती थी। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति दिनों दिन कठोर होता चला गया। यहाँ तक कि जिस बुढ़िया की जायदाद से 100-150 रुपए प्रति माह की आमदनी थी, वह भोजन तक के लिए तरसने लगी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती थी। हाथ पैरों से लाचार बुढ़िया जमीन पर पड़ी रहती और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पर चीखती चिल्लाती। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी उसे चिढ़ाने परेशान करके खुश होते थे। यहाँ तक कि दोनों उस बुढ़िया के ऊपर अपने मुंह का पानी भी डाल देते थे। काकी रोती चिल्लाती, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एकमात्र बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और जो भी खाने को था वो वहां पर आकर काकी से मिल बांट कर खाती थी। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई है, जिसमें भाग लेने के लिए बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। सारे गांव में खुशी का माहौल है। चार पाइयों पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई सेवा कर रहे हैं। कहीं भाट प्रशंसा में यशगान कर रहे हैं, तो रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं है। वे उसके साथ काम में लगी हुई है, दौड़ दौड़ कर इधर उधर से भाग रही है। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे हैं। कहीं सब्जियां पक रही थी तो कहीं मिठाइयां बन रही थी, क्योंकि शादी का माहौल है। खाना पकने की सुगंध सारे घर में फैल चुकी थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब उसे भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो फिर मिठाई और कचौड़ी कौन खिलाएगा। रह रह कर उसकी जीभ लप लपा रही थी और दिन होता तो वह रो चीख कर
सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती, लेकिन अपशुकन के भय से वह चुपचाप बैठी रहती है। धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता चला जाता है और बूढ़ी काकी उकड़ू बनकर हलवाई के कहाड़े के पास जाकर बैठ जाती है। ऐसे में अचानक रूपा की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ जाती है और वह आग बबूला हो उठती है, यानी कि बहुत ही क्रोधित हो उठती है। बूढ़ी काकी को खूब भला बुरा कहती है। अपमानित होकर भी बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोलती और रेंगती हुई चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाती है। बहुत समय बीत जाता है। इतना समय कब बीत गया काकी को यह भी सुध नहीं रहती, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी बूढ़ी काकी की किसी ने खबर नहीं पूछी, तो इस बात से उसका मन बेचैन हो उठा। तरह तरह के विचार उसके मन में उठने लगे। बूढ़ी काकी को लगा कि सभी लोग खा पी चुके होंगे, लेकिन मेरी याद किसी को नहीं आएगी। इस बीच उनकी भूख जोर पकड़ने लगती है और हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर खाने के लिए पत्तल पर वह बैठ जाती है। लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगते हैं। इतने में बुद्धिराम की नजर उस पर पड़ जाती है। उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया और खूब भला बुरा सुना दिया। बुद्धिराम यह भी भूल गया कि आज उसे जो सम्मान मिल रहा है वह सब कुछ बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण ही मिल रहा है। अपने व्यवहार के कारण रह रह कर बूढ़ी काकी स्वयं को कोसती रहती है। कभी सोचती है कि वहां नहीं जाना चाहिए था, बिना खाए मैं मर तो नहीं जाती। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी का मन तो दावत की तरफ ही दौड़ता रहता है। कभी कचौड़ियां याद आती है तो कभी स्वादिष्ट रायता, लेकिन लाडली के अलावा बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान आराम कर रहे थे। हारी थकी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जाग रही थी। वह उस समय की प्रतीक्षा में थी जब अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने का डर भी था। माँ को सोता देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़िया लेकर काकी के पास पहुंच जाती है। बेसब्री से इंतजार कर रही बुढ़िया एक ही झटके में सब खा जाती है, परंतु इससे उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहां जो टुकड़े पड़े थे उसे चुन चुन कर खाने के बाद भी उसकी भूख मिटी नहीं। अंत में उसने लाडली से झूठी पत्तलों के पास ले चलने को कहा और इसी बीच रूपा की आंख खुल गई। लाडली को अपने पास न पाकर रूपा ने इधर उधर देखा तो वह पत्तलों के पास खड़ी थी। रूपा बूढ़ी काकी को पत्तलों की झूठन चाटते देखकर आत्मग्लानी एवं पश्चाताप से भर उठती है। आज उसे अपने पर किए भारी पछतावा अपने कृत्यों पर भारी पछतावा हो रहा था। उसकी सोई आत्मा जाग रही थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, लेकिन उठकर साथ चलने को कहा।
उसने सोचा, जिस बुढ़िया की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है, उसे मैं भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। वह ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती है। रूपा अपने कमरे में जाती है और पकवान तथा मिठाई का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंचती है। कहानीकार कहता है कि भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो उठा। रूपा ने बड़े ही प्यार से भोजन करने के लिए उसे बुलाया और विनती की कि काकी ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि वह हमारा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हो रही थी। इस प्रकार दया, कृतज्ञता और करुणा जैसे मानवीय मूल्यों के महत्व को प्रस्थापित करते हुए इस कहानी का अंत आता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी बूढ़ी काकी का कथा वस्तु सामाजिक समस्या पर केंद्रित होते हुए भी रोचक, जिज्ञासापूर्ण, उत्सुकता से भरा हुआ, करुणामय तथा प्रभावकता से परिपूर्ण है। इसमें कहानीकार ने बूढ़ी काकी के माध्यम से कथा वस्तु का सृजन करते हुए मानव की स्वार्थी और कृतज्ञतापूर्ण मानसिकता का चित्रण किया है। पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी के घृणित व्यवहार का वर्णन कर लेखक बूढ़ी काकी के हृदय को झकझोरने में सक्षम रही है। समाज और मनोविज्ञान के स्तर पर लिखी गई यह कहानी कथा वस्तु की दृष्टि से एक सफल कहानी मानी जा सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने बूढ़ी काकी कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय एवं कथा वस्तु की समझ प्राप्त की। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी के माध्यम से कहानी का कौन सा संदेश देना चाहते हैं? इस कहानी के माध्यम से कौन सी सामाजिक समस्या को उजागर किया गया है आदि सारे मुद्दों के बारे में हम अगले वीडियो में समीक्षात्मक चर्चा करेंगे।